यार आपको पता चल गया होगा अभी तक के मेरा YouTube चैनल हैक हो गया। मुझे सुबह को कॉल आई थी, मेरा दोस्त कॉल कर रहा था, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही कॉल उठाई उसने कहा कि मेरा तो चैनल हैक हो गया है। सुबह 7 बजे कॉल की उसने और मैं सो रहा था तब। मैंने फिर गूगल सपोर्ट से बात की और यह है कि चैनल दोनों चैनल्स जो हैं उनकी एक्सेस मेरे पास है और वो आप वापस मुझे मिल चुके हैं, लेकिन अभी सेलिब्रेट नहीं करना, पूरी बात पहले सुन लो। जैसे ही हैक हुआ था लाइव स्ट्रीम्स चलने लग गई थी और वो ऐसी लाइव स्ट्रीम्स थी जो इलीगल थी, तो चैनल तो आ गया मेरे पास। अब वो किस तरह आया वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हैकर को अगर ये पता लग गया तो वो दो हाथ आगे और चला जाएगा। खैर वो चैनल मेरे पास आ गए, लेकिन बुरी खबर ये है कि गूगल ने मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी है, यानी कि मैं पैसे नहीं कमा सकता उन दोनों यूट्यूब चैनल से। तो आप बताओ ये कौन सा मजदूर ऐसा काम करेगा कि उसको बोलो मैं हम आपको दिहाड़ी नहीं दे रहे, आपने बस फ्री में मेहनत करनी है। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अभी ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं ये बिल्स नहीं पे कर सकते, इनका ये बैड सीन है। और इंसान आपको पता है बड़ा शोखा हो जाता है, सही है, तो खर्चे बढ़ा देता है। 100 रुपया कमाता है तो 70 रुपये खर्चा कर लेता है, पहले जहाँ पे उसका 25 रुपये था तो वो कर दिया, तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मसले तो आएंगे और उनको ये डिमोशन हो गई है, उनको सहना पड़ेगा। लेकिन आपसे एक वादा मैं चाहता हूँ, वो ये है कि देखो, क्योंकि आपको पता है मैं हारने वालों में से तो हूँ नहीं, तो एक और डाउनफॉल ही सही, एक और फेलियर ही सही, अगर चीज़ें बुरी हो जाती हैं तो एक और फेलियर ही सही। ये ऐसे गिर के फिर ऐसे उठना, पता नहीं क्या हो गया, साइनोसाइडल वेव चल रही है ज़िंदगी की, सबकी होती है, सब ऐसे ऐसे चल रहा होता है, लेकिन मेरा कुछ ऐसे ही चल जाता है, ऐसे फिर ऐसे ही नीचे। वो कहते हैं भाई हर उरूज को जवाल है, तो कुछ ऐसा ही है। खैर लेकिन मेरे जवाल मेरे चैनल को आया है, मुझे जवाल नहीं आया, आप अभी हो मेरे साथ, जहाँ ये मेरा यकीन है अभी तक। तो एक और चैनल बनाऊंगा अगर सब बुरा हो गया। अभी गूगल ने कहा है कि हम कोशिश करते हैं रिकवर करें, लेकिन मोनेटाइजेशन क्योंकि ऑफ है, मैं जाके जब देखता हूँ तो वो कहता है आप एलिजिबल नहीं हो मोनेटाइजेशन के लिए, और बड़ा अजीब लगता है, 5 साल रगड़ी है और फिर ये देखने को मिलता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप काबिल ही नहीं हो कि आप इन चैनल से पैसे बनाओ, क्योंकि आप गलत ट्रैफिक लेके आ रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब वो ट्रैफिक मैं तो नहीं लेके आ रहा था, मैं तो यही पाकिस्तानी लोग लेके आ रहा था, ट्रैफिक लेके जो आ रहा था वो हैकर था अपने स्ट्रीम के थ्रू, जो भी है। तो वादा आपसे मैं ये चाहता हूँ कि अगर सब बुरा हो गया और वो रिकवर नहीं हो सका, मेरा अकाउंट रिकवर नहीं हो सका जिससे मोनेटाइजेशन ऑन हो सकती है एडसेंस का अकाउंट, तो फिर मैं एक और चैनल बनाऊंगा जिस पे 0 सब्सक्राइबर्स होंगे, और आपसे वादा ये चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर उसको 1 मिलियन पे पहुँचाना है, और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं उस पर कॉन्स्टेंट अपलोडर बन जाऊँगा, तन्मय भट्ट से इंस्पिरेशन ले लूँगा और रोज़ कुछ ना कुछ बनाया करूँगा, कोशिश करूँगा जितना मेरे बस में होगा क्वालिटी रखने की कोशिश करूँगा। तो अगर नहीं भी रख सका तो इस दफ़ा मेरे लिए सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट के लिए नहीं, लेकिन वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह, बस वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा कर दूँगा। एनीवेज तो 0 से शुरू करने के लिए मैं हूँ, तैयार हूँ, बस आप मेरा साथ दें। साल के अंदर उसको मिलियन पहुंचाना है, ये पिछला चैनल 5 साल में हुआ था मिलियन, 4-5 साल में, तो यहाँ पे अब हमने साल में करके दिखाना है। बस यार दुआ करो कि वही रिकवर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना अभी सीन बहुत बुरा है, मतलब समझ लो मैं जॉबलेस हूँ अभी। जो थोड़ा सा ही सोच रहा हूँ तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा, मैं यहाँ पे बात कर पाऊँगा कि नहीं, सब
सारी फनी वाकयात जो भी आगे होने वाले हैं वो तो पता चल जाएगा बाद में। खैर बस आप दुआ करो पिछले वाला रिकवर हो जाए। मैं ज्यादा नहीं सोच रहा, ओवर थिंकिंग में नहीं कर रहा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो साथ देना जीरो से फिर से उठने के लिए। थैंक यू, लव यू। रोना आ जाएगा अभी, इसलिए बस खत्म करते हैं इसको फेक स्माइल देते हुए।